टीवी पे फिल्म देखते अगर आपको महसूस हो रहा हो कि ये फिल्म आपके नर्व्स पे तारी हो रही है, तो सोचिए जिसने सिनेमा में बड़े पर्दे पे वही फिल्म देखी होगी उसका क्या हाल हुआ होगा। ऐसे ही कुछ मैंने महसूस किया शैतान फिल्म देखकर। काला जादू क्या होता है, कैसे किया जाता है, काला जादू करके क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, ऐसे ही कुछ शैतान फिल्म में दिखाया गया है। अब मैं आपको स्लैप करूं जोर से, वंस मोर। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? व्हाट हैव यू डन टू हर? फिल्म की डिटेल्स बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर कर दूं कि ये फिल्म एक गुजराती फिल्म वर्ष की रीमेक है। जब शैतान फिल्म सिनेमाज में रिलीज होने वाली थी तब वर्ष को इंटरनेट से बिल्कुल गायब कर दिया गया था ताकि लोग वो ना देख सकें। शैतान फिल्म इसी वीक नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी गई है। शैतान फिल्म की कास्ट मुख्तसर सी है, पूरी स्टोरी 5 किरदारों के गिर्द घूमती है। फिल्म के हीरो अजय देवगन है और विलन का रोल आर माधवन ने निभाया है। अजय की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं सीनियर एक्ट्रेस ज्योतिका, जिन्हें हम साउथ की कई कामयाब फिल्म्स में देख चुके हैं। लेकिन सबसे अहम किरदार अदा किया है जानकी बॉडीवाला ने, जो अजय देवगन की बेटी बनी है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि शैतान जिस मूवी की रीमेक है उसमें भी जानकी बॉडीवाला ने यही रोल प्ले किया था। आर माधवन को हमेशा हम पॉजिटिव रोल्स में देखते हैं, बट बिलीव मी इस फिल्म में जो नेगेटिव रोल उन्होंने प्ले किया है उसे देखकर आपको लगेगा कि ये रोल उन्हीं के लिए ही बना है और उनसे बेहतर ये रोल कोई प्ले नहीं कर सकता था। फिल्म क्योंकि थ्रिलर सस्पेंस है तो मैं सिर्फ उतनी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको कोई स्पॉइलर ना मिले और जब आप ये फिल्म देखें तो उसे फुली एंजॉय कर सकें। फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि अजय देवगन, उनकी वाइफ और दो बच्चे छुट्टी गुजारने के लिए फार्म हाउस जाते हैं। रस्ते में उनकी मुलाकात आर माधवन से होती है। माधवन स्मार्टली अजय और उसकी फैमिली के करीब आ जाता है। माधवन को बेसिकली एक बहुत ही गलीज मकसद पूरा करना है जिसके लिए वो अजय की बेटी को निशाना बनाता है और उस पर काला जादू कर देता है। माधवन जादू कैसे करता है यही फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्क्रिप्ट का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि स्टोरी में इतनी बड़ी डेवलपमेंट जिस पे बाकी फिल्म डिपेंड कर रही है वो मोमेंट काफी लॉजिकल है। आप ये बिलीव करने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन माधवन ऐसा करते क्यों है, ये फिल्म का दूसरा बड़ा सस्पेंस है जो कि फिल्म में आखिर में जाकर खुलता है। अजय और उसकी बीवी को माधवन किस तरह तंग करता है वो बहुत ब्रूटल है और अगर आप पेरेंट हैं तो ट्रस्ट मी यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉच जो कुछ माधवन उनके साथ करता है। अजय ने बाप के किरदार में जो बेबसी दिखाई है वो बहुत रियल लगती है। जब उसके सामने उसकी फैमिली, उसके दोनों बच्चे मौत के मुंह में आ जाते हैं तब जो एक्टिंग और एक्सप्रेशन अजय ने दिए हैं उनसे उन्होंने एक मरतबा फिर साबित किया कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। फिल्म के थ्रिल और हॉरर पार्ट जंप स्केयर टाइप नहीं है कि कोई अचानक से आ जाएगा और डरा देगा या कोई अनदेखी चीज अचानक हो जाएगी। जो कुछ है सामने है और जो कुछ है वो इतना भयानक और रियलिस्टिक है कि आपको सीन्स में अनइजी हो जाएंगे। शैतान में भले से स्टार कास्ट हो लेकिन ये उन फिल्म्स में से है जिनके प्लॉट ट्विस्ट में कहानी अच्छे होने और लॉजिकल होने की बेहद जरूरत होती है। अगर स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले फिल्म के इंपॉर्टेंट पार्ट में कमजोर पड़ जाए तो फिल्म में इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है, बट शैतान में ऐसा नहीं होता। आप फिल्म को फुली एंजॉय करेंगे और उसकी अच्छी कहानी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले के बायस एंड तक फिल्म से जुड़े रहेंगे। अगर आप फिल्म ऑलरेडी देख चुके हैं तो जरूर बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल अब्बास स्पीक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।